आई एम गोइंग टू इनफिनिक्स स्मार्ट 5 अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग जा रहे हैं वो डिवाइस है इनफिनिक्स की, और ये स्मार्ट 5 मोबाइल फोन और 364 पे ये वर्जन है इनफिनिक्स का। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले हमारा YouTube चैनल मोबाइल पार्टनर मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ऐसे ही लेटेस्ट और अनरिव्यू को देखने के लिए। आइए हम अब जाते हैं इसको वो अनबॉक्सिंग करने के लिए। पहले हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। आप देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें इस वक्त हमें मिल रही हैं, तो हम इसकी पैकिंग को अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये डब्बे की पैकिंग थोड़ी सी एक डिफरेंट पैकिंग में आती है, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस मोबाइल में हमारे बॉक्स में कंपनी इनफिनिक्स ने क्या क्या दिया हुआ है। ये चीज़ें देखते हैं और चेक करते हैं इनकी इनके डब्बे की जो पैकिंग होती है डिफरेंट होती है दूसरे कंपनियों की निस्बत। ये हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये डिवाइस हमारे सामने है, कुछ फीचर्स उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं जो इस मोबाइल के मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है और बताया हुआ है। जैसा कि इसमें उन्होंने बताया कि 5000 mAh की बैटरी है, 6.6 inch का इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्प्ले है और 8 MP कैमरा और 3 lens के साथ है। ये उन्होंने कुछ दिया है 4G के साथ है और 364 में ये विजन है उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। आइए हम इस वेपर को उठाते हैं और देखते हैं स्क्रीन और इसके बाकी चीज़ें। ये ट्रिपल कैमरे के अंदर आता है, ये देखें आप देख रहे हैं ट्रिपल कैमरे के अंदर है और ये जो नज़र आ रहा है आपको, और साइड में LED लाइट दी हुई है जो नाइट में है। और बाकी इस डिवाइस के अंदर ही नंबर दिया हुआ है इनफिनिक्स के, मॉडल लिखा है 364 में ये वर्जन है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इसका साइड पे रखते हैं डिवाइस को और हम देखते हैं बाकी इसके अंदर बुक्स में क्या दिया है। ये एक चिप है, इसके कोई फायदा नहीं है, ऐसे ऐसी दी होती है। और इसके अंदर हमें एक अडाप्टर मिलता है और ये आपके सामने है तकरीबन, मेरा ख्याल है ये फास्ट चार्जर नहीं है लेकिन ये ठीक है। ये केबल एक दी हुई है उन्होंने डाटा केबल चार्जिंग केबल के लिए, और कुछ खास नहीं है। स्टार्ट मेन्यू कुछ वो कॉपी है इसकी जो सेटिंग स्टार्ट मेन्यू क्विकली स्टार्ट कैसा किया जाता है, और एंड में उन्होंने एक कवर दिया हुआ है पैक। और ख़ास बॉक्स में कुछ भी नहीं है और सबसे लास्ट में उन्होंने एक पेपर दिया है स्क्रीन पर लगाने के लिए प्रोडक्ट है, और इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम डिवाइस की कर जाते हैं, आप डिवाइस के देखते हैं क्या क्या और चीज़ फ्यूचर्स दिए हुए हैं उन्होंने। ये सिम जैक की हुई है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या है। अब हम इसको निकाल के देखते हैं पिन में कि इसने जैक में वो क्या क्या दिया हुआ है, कितने आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम फाइनली इसको ओपन करते हैं, ये हम देखते हैं इसमें उन्होंने 2 सिमें और 1 SD कार्ड की सहूलत दी हुई है। यहाँ पे 2 सिमें लगा सकते हैं और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं, ये उन्होंने सहूलत हमें दी हुई है। और इसके अलावा फाइनली हम देखते हैं इसमें साइड और साइड पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है उन्होंने, एक मैक जैक दी हुई है सिम डालने के लिए, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया हुआ और इस साइड में वॉल्यूम और पावर बटन दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बैक साइड पे एक फिंगरप्रिंट है, कैमरे जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ बैक साइड है जो काफ़ी स्लिम है और लुक है, लेकिन ये बॉडी प्लास्टिक बॉडी है और साथ सारे इनमें प्लास्टिक बॉडी ही आती है, इनमें जितने भी आते हैं ये मॉडल इनफिनिक्स के तकरीबन प्लास्टिक बॉडी। अब इसको हम फाइनली ऑन करते हैं, ऑन करके इसका सिक्योरिटी जो सेटअप है उसको स्टार्ट करते हैं। ये फाइनली सेटअप हो गया, मैंने सेटअप कर लिया, अपना फिंगरप्रिंट एरर वगैरह लगा दिया है, ये देखिए आपके सामने है। और इसका जो पैनल है वो मुझे ज़रा ठीक है, इतना खास नहीं लग रहा है। सब ज़्यादा इस बजट में इसी को पैनल को LED पैनल IPL LED 3.5 पैनल ही इस्तेमाल होता है इन मोबाइलों में, और इसमें बेहतरीन है, बड़ी डिवाइस है मूवी देखने के लिए या कोई सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो फेसबुक इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही अच्छी है, आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। और इसका
जो हम कैमरा मेन कैमरे की तरफ जाते हैं, कैमरे का रिजल्ट देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है और कैसा रिजल्ट है। कैमरे का रिजल्ट की तरफ जाते हैं, ज़रा फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू ले रहा है। वैसे कैमरा ठीक है, लेकिन इस बजट में हम इसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उसके हिसाब से जो बजट है हमारा, उसके हिसाब से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी में बाकी मोड, अल्ट्रा मोड वगैरह सारे दिए हुए हैं, और फ्रंट कैमरा भी ऑन करके हम आपको सेल्फी की दिखा देते हैं। ये देखें आपके सामने कुछ सेल्फी ले रहा हूँ। ब्यूटी है जो ब्यूटी कलर में है, ये देखें आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ज़रा ये इतना फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, लेकिन ठीक है, इतना ख़ास भी नहीं है, इतना बेहतरीन है, बहरहाल सब बेहतर है। और इस प्राइस में, इस कैटेगरी में हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी कैमरा बिल्कुल ठीक है, बाकी मोबाइल चलने में ठीक है, टच इतना मज़ेदार नहीं है, बट है, लेकिन मज़ा दे रहा है, इतना नहीं दे रहा है जिस तरह, इतना फास्ट सुपरली टच नहीं है जितना हम देख रहे हैं। इस प्राइस बजट में इसे एक्सेप्ट इतना ही कर सकते हैं हम। बाकी बेहतरीन है डिवाइस चलाने में फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे नेट सोशल नेटवर्क के लिए, और एक कॉल इनकमिंग आउटगोइंग यूज़ करने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो इसमें लाइट गेम चलेगी, और हैवी गेम के लिए ये बेहतरीन नहीं है, और ना ही ये हैवी गेम चला सकता है। लेकिन नॉर्मल जो गेम्स होती हैं उनको ये मोबाइल बेहतरीन तरीके से चला सकता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। आपने अनबॉक्सिंग इस मोबाइल की मुकम्मल तौर पर इन्फिनिक्स के स्मार्ट 5 की देख ली होगी। आई हो हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और इस मोबाइल के ऊपर आपका क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप क्या इसके बारे में राय रखते हैं। और हमारा पार्कटेल मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मजीद मालूमात के लिए parktel.pk भी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मोबाइल के हर किस्म के एक्सेसरीज मिल जाएंगी। अपना और अपने गिरदे लोगों का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उस वक्त के लिए इजाजत दें, गुड बाय।